आवाज आवाज कम। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, यहाँ पर आना है आपको, कैसे यहाँ पे दिखा भी पाँच साल से हो? मैं बोलूँगा तो आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मालूम चला कि यहीं पे आके काम करना है? पाँच साल से पहले यहाँ बेंगलोर से आई थी। बेंगलोर से आई थी, कौन आपको भर्ती किया था? दोस्त के साथ आई थी। यहाँ पे जो कल छापा पड़ा है उसमें बात आई है कि आप लोगों के साथ शूटिंग हुआ है, क्या ये बात सही है? नहीं सर, हम लोग तो बैठा हुआ था। आप बैठी हुई थी तो अंदर कौन थी? अच्छा भाई, नाम मत लीजिए, पीछे रहिए। आप तो खेल मैडम उधर आइए, तीन साल से आए हैं। ये जो कल छापा पड़ा है, जो बात कही गई है, क्या वो सही है गलत है? अंदर में थे आप लोग? अंदर में क्या शारीरिक शोषण भी होता है आप लोगों का? अंदर क्या होता है? अंदर हाँ क्या होता है? थेरेपी होता है, थेरेपी होता है। तो जो पुलिस ने कार्रवाई की है आपके अनुसार वो कार्रवाई गलत है? सही है कार्रवाई? देखिए कार्रवाई सही है ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते। तो आपको इस काम में कौन लगाया? आपको कौन भर्ती किया? आपको दोस्त भर्ती किया। तो आपको लगा नहीं कि काम घर पर है, ऐसे नहीं करना चाहिए? आप बोले बोले मुझे वापस जाना है। कहाँ के रहने वाले हो आप? असम। ये बोले नहीं मैं असम वापस जाऊंगी? हाँ, अब आप क्या आगे करना चाहते हो? यहाँ रहना चाहते हो, वापस जाना चाहते हो? वापस जाना, यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? अभी आप नहीं रहोगे यहाँ पे। सैलरी कितना देते हैं आपको? 15,000 देते हैं। तो टाइम पर देते हैं? टाइम पर सैलरी देते हैं। आप यहाँ कब से हैं? 3 महीने से नए भर्ती हुए हो। आपके साथ भी ये गलत काम हो रहा था क्या यहाँ पे? हाँ, आपके साथ कुछ नहीं हुआ था? अभी आप क्या कर रहे थे? आप बैठते थे बस, फोन चला रही थी। तो ये जो छापा पड़ा पुलिस का, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? पुलिस गलत कार्रवाई की, ठीक कार्रवाई की? ठीक कार्रवाई की। क्या ठीक कार्रवाई की पुलिस? ये जो लड़के सब हैं जो पकड़ाए हैं, ये क्या करने आए थे वहां पे? थेरेपी में क्या होता है आपको पता नहीं, आप तो नए आए थे, लेकिन सुने तो हो गए ना आप, जो 3 महीने हो गए तो कोई कुछ बोलता नहीं है। थेरेपी करने वाले कौन कौन है यहाँ पे? पुराने लोग कौन कौन थेरेपी करते हैं? तो आप भी थेरेपी के हो ना? उस टाइम आप नहीं कर रहे थे, बाकी लोग थेरेपी करते हैं, कोई गलत काम होता है क्या? आपके साथ कभी कोई गलत हुआ तो अपना ही बता सकते हो ना, आपके गलत क्या है? तो पुलिस को छापा क्यों पड़ा फिर? यदि कोई गलत काम ही नहीं होता तो पुलिस को छापा क्यों पड़ा? आप बताओ ना, यदि कुछ गलत काम ही नहीं हुआ तो पुलिस को छापा ही क्यों पड़ा? नहीं तो फिर तो आप लोग को भी कार्रवाई हो जाएगी। यदि आप बोलोगे कि कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वो लोग तो आए थे, तो आप लोगों का कार्रवाई करनी पड़ेगी मुझे। आप लोग चाहते हो कि आप लोग कुछ कार्रवाई हो? जो सही चीज है बताओ फिर, तब तो कार्रवाई होगी ना। गलत काम को तभी हम रोक सकते हैं जब लोग आगे आएंगे, तो खुद ही आप लोग शोषण कराओगे अपना, तो क्या विक्रीम हो? फिर तो कार्रवाई करनी चाहिए आप लोग के ऊपर भी। इधर आए मैडम, आप बताए कल क्या पुलिस की कार्रवाई हुई, उस टाइम क्या हुआ? बताओ पुलिस की कार्रवाई हुई ना, पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई आप बताओ? क्या चीज के लिए कार्रवाई हुई पुलिस की? किस अच्छाई के लिए हुई? हाँ क्या हो रहा था वहाँ पे बताओगे तब ना, कुछ गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब ये बताओ, चलो क्या हो रहा था बताओ, गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो फिर वो आगे भी रिकॉर्डिंग मुझे फिर करना पड़ेगा, फिर सब पे कार्रवाई करें, ठीक है? ये देखिए पढ़े, रशियन थेरेपी फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़, कपल रूम, स्टीम बाथ,
मैडम हम लोग ऐसा नहीं है, एविडेंस बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग बताओ कहीं तो ऐसा नहीं है। ऐसा था कि हम तो चाह रहे थे विक्टिम को आप लोगों को रेस्क्यू किया जाए, आप लोग चाहते हो सबके ऊपर कार्रवाई हो, सबके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नीचे आ भाई मैडम, आप कब से हैं? आप एक दिन से? एक महीने से। आपने वहाँ क्या देखा? किसको पकड़ा था रेड में? किस लड़की को? हाँ कौन है? आते आइए मैडम, आप लोग चाहते हो आप लोग अलग से बुलाया जाए तो आपकी मर्जी है। पीछे आपको क्या करते हो पकड़ा गया पुलिस द्वारा? कपड़ा खोल रहे थे पकड़, ठीक है। जैसा आप समझ सकते हैं, कहाँ गए भाई उनके वो पंचायत भाई? कपड़ा खोलने का काम महिलाओं को दिया आपने? नहीं खुलवा था ना, आप चाहते हो सब चीजें खुलवा के बोलूं तो बोलूंगा फिर। अरे भाई सामने बोल रही है, ये कपल रूम डोर बंद करने का नियम किसने बनाया पता है आपको? उसका नियम डोर बंद करना पड़े, डोर बनाओगे आप निकाल देंगे सर। नहीं वैसे तो रोड का सिस्टम रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन लेडीज थेरेपी के कारण से उनको रखना पड़ेगा। अरे भैया जब पुरुष जाएंगे तो भी बंद रखोगे तुम? लेडीज थेरेपी लेडीज के लिए कहानी सुना रहे हो, पुरुष जाएगा बंद रहेगा, कपल रूम का है। तुम चाहते हो सारे व्हाट्सएप जो फोन से मिले हैं लड़कों के, मैं वायरल कर देता हूँ अभी, तुम्हें अपने सामने मीडिया में देता हूँ। चाहते हो क्या? चाह रहे हो क्या? चाहोगे तो सारे एविडेंस में अभी प्रस्तुत कर दूंगा, फिर ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। जो गलत किए हो मानो कम से कम, ठीक है? बाकी तो कानून का है, कानून में कोर्ट में जाके जो बताना होगा बताएं, आपकी अफसोस की बजाय रखने का वहां अधिकार है। लेकिन जो गलत किए हो समझो, वो पूरा सूर्या मोहन है वहां पे, वहां पे सारे हिंदी लोग जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग जाते हैं वहां, परिवार जाते हैं, बच्चे जाते हैं, इतना तुम लोगों को भर रखा है तुमने। हरकत भी है पीछे हो, चलिए चलिए जो सामान से लेके आया था। अरे भाई कहानी सुनाया क्या है बताओ ना, क्या होता है, क्या करने गए थे? थेरेपी के नाम से गए थे, होता क्या है थेरेपी के नाम पे वहाँ पे? क्या क्या लेके गए थे वहाँ पे? कॉन्डम कितने निकले थे इनके? तीन कॉन्डम निकले। कॉन्डम वहाँ पे तो गुब्बारे खिलाने के लिए गए थे, गुब्बारे लगा दी था जबकि कर लगे हैं जनाब, उसमें क्या करने लगा थे जनाब? भाई उनका मोबाइल है, मोबाइल का इसका जो पीडीएफ निकाले सोशल मीडिया में इनका पूरा जो है ना, इसको ये करें। भाई देखो मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, समझा रहा हूँ, ये जो पीला है ना लाल हो जाओगे पूरे, ठीक है? जो गलती किए हो तो मानो कम से कम, ठीक है? कहानी सुना रहे हो अलग, मुझे कंडोम तुम गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे, स्प्रे तुम वहां पे हवा में फैलाने के लिए गए थे। और कितने बजे गए थे तुम वहां पे? कितने बजे गए थे? कुछ लोग तो 11 बजे भी आए थे, पता है आपको? रात्रि मसाज भी कुछ लोगों को चाहिए, 11 बजे 12 बजे 1 बजे सर्विस आवर्स कितने बजे लास्ट है? नंबर क्या? जनाब ने पिछले एक महीने में कितना मसाज, दो तीन महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतना तो मैं जिम नहीं जाता हूँ। वाइफ ले चुका है भाई, इतना तो एंट्री है, विदाउट एंट्री कितनी होगी भगवान जाने। भाई मैं नहीं चाहता एक एक करके पलक पलक खोलना, ठीक है? मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। जो गलती की हो चुपचाप मानो, ठीक है?
नहीं तो अभी चेहरा थोड़ा बंद है, खुलना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है? जो चीज किए हो मानो, ठीक है? इनके भरोसे मत रहो, साहब कोई मदद नहीं करेंगे आपकी, आप मुश्किल में फंस जाओगे, ठीक है? सब बातें खुलेंगी तो आपकी इज्जत जहां बच्चा लगेगा, ठीक है?